नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे कि गुलाब का पौधा कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप इसकी खेती भी करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से पौधों की खेती की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब कुछ आज हम बताएंगे। और ये जानकारी हमें देंगे पप्पू सिंह जी, जो पिछले करीब करीब मुझे जहाँ तक से मैं है कि 28 या 29 साल हो चुके हैं इनको नर्सरी के व्यवसाय से जुड़े हुए, और विशेष स्तर से गुलाब की खेती और गुलाब के पौधे तैयार करने में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। तो सर, ये गुलाब का पौधा पहले कैसे तैयार किया जाता है ये बताइए, उसके बाद साथ ही सबसे पहले गुलाब के मतलब पौधा तैयार कर लिए, पहले तो हम लोग गुलाब का खेती करेंगे, फूलों का खेती करेंगे जी जी। जो उसमें से जो डाली निकालेंगे जो आई का काम करेगा, इससे जो है हम लोग आँख निकाल करके हाँ और बीजू में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। बीजू में तो सर कैसे चले वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये हो गया आपका आई बर्ड हो गया, दिखाइएगा आई बर्ड हो गया, ये पौधे से ही काट लिया गया गुलाब का। हाँ, आई बर्ड का डाली काटे हम और तब हम एक बीजू का मतलब डाली काटेंगे। बीजू मतलब थोड़ा सा सर इसको बताइए थोड़ा विस्तार से किसान भाइयों को हमारे, कि जो बीजू मतलब क्या पूरा एक नोट मोटा मोटी। ये जो है ये बीजू के पौधे हैं जी, इसी में इसका आई को निकाल करके इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे जो है ना। अच्छा जी जी, इसमें हम इसमें चीरा लगाएंगे, एक टी आकार का चीरा लगाएंगे, इसमें से जो आई बर्ड है उसमें से चाकू से निकालेंगे और इसमें एक चीरा लगा करके उसको आई को इसमें शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम गुलाब का पौधे से एक हम मैच्योर्ड स्टिक काटेंगे और स्टिक काटने के बाद जो स्टिक मतलब चुनेंगे हम कि कौन सा मेरे आई बर्डिंग के लिए है। अच्छा, आई बर्डिंग कौन सा बोलते हैं? ये आई बर्ड इसको बोलते हैं, ये आई बर्ड इसको बोलते हैं, जितना भी पत्ती देख रहे हैं ये आई बर्ड है, इसी से हम निकालेंगे, ये ब्लेड के द्वारा निकालेंगे स्किन से ही थे। अच्छा, इस आग को। अच्छा। और फिर इस बीजू में जो है इसको एक चीरा लगा करके इसको हम इस आई को आँख को इसमें हम शिफ्ट करेंगे जो है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं बीजू का अगर थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूँ तो बीजू ये है, ये बीजू पौधे होते हैं जो इनके बीज से जो पौधे तैयार हो जाते हैं गुलाब के या चीज़ों से, वही बीजू बोलते हैं। जैसे आम का में अगर हम कलमी जो तैयार करते हैं तो उसमें जो उसका गुठली होता है उससे जो पौधा तैयार होता है, डाली से भी तैयार कर सकते हैं जी, तो डाली से भी डाली बीजू बना सकते हैं, डाली से भी डाली बीजू तैयार हो सकता है। तो क्रॉस विधि अगर एक से दूसरे में आपको क्रॉसिंग जो विधि कहते हैं, क्रॉस विधि से जो पौधे तैयार होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम इसमें हम एक चीरा लगाएंगे, चीरा। अब सबसे पहले ये पत्ती को काटेंगे आई निकालने के लिए। हाँ। सबसे पहले हम पत्ती को काट करके ये आई निकाले। अच्छा, ये आई बर्ड हो गया जो उस गुलाब के डाली से हम निकाले हैं। हाँ। ये आई बर्ड इसको बोलते हैं। अच्छा। ये आई बर्ड बोलते हैं जी, ठीक है जी, जी। और इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम एक चीरा लगाएंगे, जो बर्डिंग नाइफ से एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद हम इस आँख को उसमें शिफ्ट करेंगे। इसको शिफ्ट करने के दौरान क्या सावधानी रखनी पड़ती है, कैसे रखना पड़ता है? ये इसमें जो स्किन जो निकाले हैं ना उसमें जो हड्डी है थोड़ा सा उसको बाहर करेंगे। अच्छा, तो आप देखिए जैसे ये लगाया जा रहा है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइएगा, तो ये देखिए पूरा ये इसमें का जो लकड़ी जैसा थोड़ा सा हिस्सा था उसको बाहर कर दिया गया है, और उसके बाद अब और इसको ये व्यवस्थाएं की गई हैं, लाइएगा और देखिए ये लग गया है। देखिए ये जो है आई बर्ड कैमरे की नज़र से आप देख रहे होंगे ये लगा, हाँ वो है। देखिए अब इसके बाद इस पर टेप मतलब उसको प्लास्टिक से बांध दिया जा रहा है, पूरी तरह से अच्छे से बाकायदे बांधा जाएगा, और बांधने के बाद अब इसमें से जो अलग हाइब्रिड के जो करते हैं मतलब जो अलग पौधे होते हैं वो तैयार, पूरा तैयार हो गया। तो ये देखिएगा, ये धरिए, और ये पूरा तरह से गुलाब का जो पौधे तैयार करने का जो विधि है वो पूरा तरह से तैयार हो गया है, और ये सब कुछ हो चुका है। और आप देखिएंगे तो जो इसमें से मैं बता रहा था कि जब आप आई बर्ड से जो निकालेंगे तो ये आप देखिएगा ये कुछ लकड़ी जैसा हिस्सा होता है उसको आपको निकाल देना है, केवल उसके ऊपरी जो परत होता है ये वाला जो परत होता है नीचे का, ये वाला जो परत होता है ऊपर का, आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का परत है उसको आपको उसमें लगाना होगा। कितने दिनों में दादा तैयार हो जाता होगा ये? एक महीना।
एक महीने में ये मतलब यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा तो सर एक महीने में निकल जाएगा, तो इस महीने दिन में क्या क्या रखे, इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी? इसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर आँख सेट कर दिया जी। आँख सेट कर दिया उसके बाद ये जो है यहाँ से फुजी मारेगा तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो हम लगाए हैं ये जो है ना ये तो इसको लगा दिए जी और साइड से जो है ये निकलेगा, क्या बोलते हैं दादा उसको, मतलब फुजी, मतलब क्या आपके भाषा में बोलेंगे हम लोग, टूसा जो निकलेगा इसके ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे इसलिए ताकि इसको पूरा भरपूर भोजन मिल सके जी। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लंबा, इसको खाना नहीं मिलेगा। तो कितने ऊंचाई तक कितना तोड़ना पड़ता है, पूरा तोड़ना पड़ता है या जैसे कि ये तो बहुत लंबा डाली है जी, इसको जी। तो हम तो मतलब ये यहाँ से इसको कट करेंगे इसको हम जी। लो दादा एक मिनट कचिला इसको यहाँ से हम कट कर देंगे ठीक है जी। तो जब यहाँ से हम कट कर देंगे तो यहाँ से बहुत सारा ब्रांच निकलेगा, जो ब्रांच निकलेगा वो हम लोग को जब तक ले ये पौधा मैच्योर नहीं हो जाता है, पौधा आ नहीं जाता है तब तक ले जो निकलेगा ब्रांच उसको तोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे तोड़ देंगे? हाँ उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी भी तोड़ सकते हैं कि नहीं? इसको ये ब्रांच नहीं, ये पत्ती है, पत्ती है, ये तो पत्ती अभी फिलहाल रहेगा, क्योंकि पत्ती नहीं रहेगा तो इसका भोजन कैसे बनेगा। अच्छा जो अलग इसके अलग डाली निकलेगा ना उसको तोड़ना है हमको, नीचे से निकलेगा, इधर से निकलेगा, वो सबको तोड़ना है। महीने दिन में निकल जाता है? हाँ ये तब ये बढ़ेगा, तो महीना दिन तब ये बढ़ेगा। जब इतना को हो जाएगा ना तब फिर यहाँ से फिर एक कट मारेंगे जो है ना, फिर ये कट मार देंगे तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये पौधा तैयार होगा तो फिर ये बीजू जो है ना नीचे से निकलना चालू होगा जी। तो नीचे से निकलना चालू होगा तो नीचे वाले को भी हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले खाना उठेगा तो यही खा लेगा जी। यहाँ पहुँचे में थोड़ा टाइम लगेगा तो सब भोजन नहीं खा लेगा तो ये पौधा मेरा कमज़ोर हो जाएगा, तो इसको हमेशा तोड़ते रहना पड़ेगा, तब ये गुलाब का पौधा तैयार होगा। जब तैयार होगा तो फिर उसके बाद ये नीचे से अपना आराम से लगवा देंगे? नहीं इसको तो वेस्टेज चला जाएगा ना, वेस्टेज चला जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है जो है ना। अच्छा पौधा जब काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएगा तो फिर ये नौ के बराबर निकलना चालू होगा वो। अच्छा अगर इसको छोड़ देते हैं ना तो ये आपका आँख मर जाएगा, ये छोड़ेगा तो दूसरा हो जाएगा, इसको ये मर जाएगा, इसको खाने बिना ये मर जाएगा। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो पूरा आप अपना जब जगह मैच्योर हो जाएगा तो आराम से आप लगा दीजिए। हाँ जी 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 तो जी आपने पूरा तरह से समझा कि कैसे गुलाब के पौधे तैयार किए जाते हैं, क्या विधि है, क्रॉस कैसे बीजू से और एक दूसरे पौधे वैरायटी के जो किस्म होते हैं गुलाब के जो कैसे बीजू के माध्यम से तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आएगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।